इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू योर कैट प्रिपरेशन जर्नी और उनको लग रहा है कि क्या 6 months में कैट 99th percentile अचीवेबल है, क्या मैं टॉप बी स्कूल में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, द आंसर इज ऑफ कोर्स येस, बट हाउ दैट आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो. माय नेम इज कौशल झा, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT दिल्ली, आई डिड माय MBA फ्रॉम IIM कलकत्ता एंड आई एम द चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट आईक्वांटा करेंटली. 6 months प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की मैं अगर बात करूं तो नवंबर में आपका एग्जाम होगा, अभी वी आर सिटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ जून. योर जून जुलाई अगस्त शुड बी समवॉट डेडिकेटेड टू योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग यू कैन रेफर टू बुक्स लाइक NCERT फॉर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आप एक रीडिंग हैबिट 45 मिनट्स की कंजेक्टिवली डेली बेसिस पे रख सकते हो, सो दैट यू डू नॉट फील वेरी अनकंफर्टेबल और अंडर कॉन्फिडेंट वेन यू आर रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलरली न्यू RCs और न्यू पैसेज. उसके अलावा इफ यू आर एनरोल्ड यू कैन ऑब्वियसली लुक बैक टू योर लाइव क्लासेस और योर एप्लीकेशन क्लासेस इफ यू आर एन IIQANTA स्टूडेंट. आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी वे में, एंड वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है इन दीज 2-3 months में. इसके अलावा आप ऑन अ डेली बेसिस अगर 2-3 LRDI सेट टारगेट करोगे, 3-4 RC सेट टारगेट करोगे, तो रफली बाय द एंड ऑफ जुलाई जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज देता है, यू विल बी एबल टू कवर 150-200 LRDI सेट्स एंड 300-400 RC सेट्स, विच इज अ वेरी गुड पोजिशन टू स्टार्ट विद वेन यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग योर फुल लेंथ मॉक जर्नी. क्या टॉपिक खत्म होने से पहले आप मॉक्स नहीं दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो. आपने जून में अगर प्रिपरेशन चालू करी, आपने एक दिन डेडिकेट किया कैट एग्जाम को समझने में, पैटर्न कैसा है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो रिसर्च के बाद वंस यू आर डन विद अ टॉपिक, हाउ डू आइडेंटिफाई इफ यू आर डन विद अ टॉपिक, एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन, लेट्स से असाइनमेंट्स हो गए या फिर प्रैक्टिस सेशंस हो गए या फिर जो भी फ्री मटेरियल आप लगा रहे हो, उसमें अगर आपका 80-90% एक्यूरेसी लेवल आ रहा है तो यू आर डन विद दैट टॉपिक, यू आप मान सकते हो. जब आपने ये मान लिया है तो उसके बाद आप एक सेक्शनल या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मॉक्स लगाना चालू कर सकते हो साइड बाय साइड, व्हाइल यू आर आल्सो कवरिंग योर बैकलॉग्स ऑन द रिस्पेक्टिव सिलेबस दैट यू नीड टू कवर, देन यू कैन स्टार्ट योर फुल लेंथ मॉक्स. फुल लेंथ मॉक्स के अलावा आपको सेक्शनल देना भी इंपॉर्टेंट है, तो रफली अगस्त के ऑनवर्ड्स आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक लगा रहे हो, उनका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो. वो अगर आप एनालिसिस मैनुअल वे में करोगे तो आपको उतना है रफली टाइम लगेगा जितना आपका मॉक होता है, विच इज 2 hours, बट अगर आप ऑटोमेटेड वे में कर रहे हो, जैसे कि IIQANTA कोर्स में आपको AI डैशबोर्ड मिल जाता है, AI बेस्ड एनालिसिस मिल जाता है, तो उससे आपका टाइम बहुत बच जाता है और हाफ एन आवर में वो आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा. तो इट्स वेरी क्रूशियल दैट वंस यू आर डूइंग दिस फुल लेंथ मॉक्स हफ्ते में 2, जैसा कि मैंने सजेस्ट किया अगस्त में, उसके बाद आप उनका एक्चुअल एनालिसिस कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली इज माय स्ट्रेंथ एरिया, व्हाट एग्जैक्टली इज माय वीक टॉपिक. जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज होंगे उनमें आपको इंश्योर करना है कि आपकी एक्यूरेसी हर टेस्ट के साथ साथ बढ़ रही है, और जो आपके वीक एरियाज हैं उसमें आपको यू माइट हैव टू रिफर बैक टू योर कंसेप्चुअल वीडियोस, योर लाइव क्लासेस एंड माइट रिक्वायर मोर प्रैक्टिस एज वेल. फुल लेंथ मॉक के एनालिसिस से एक और चीज जो आपको निकलेगी वो है कि आप किस तरह के मिस्टेक्स ज्यादा करते हो. क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं, तो फिर यू विल हैव टू रिफर बैक टू योर कंसेप्ट क्लासेस. अगर सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, दैट जस्ट मींस दैट दैट टॉपिक रिक्वायर्स थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस, तो यू कैन रेफर बैक टू द असाइनमेंट दैट यू माइट हैव ऑलरेडी सॉल्व, और उसमें आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू आर अटेम्प्टिंग इट. ये बात हो गई अगस्त की. अगस्त में आपको क्या करना है, हर हफ्ते एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं एंड साइड बाय साइड हर ऑल्टरनेट डे आपको एक सेक्शनल लगाना है ऑन ईच ऑफ दीज रिस्पेक्टिव सेक्शंस. इसमें आप ऑल्सो यू कैन प्रायोरिटाइज द वीकर सेक्शन दैट यू हैव, वो आपको फिगर आउट होगा आपके जून जुलाई अगस्त के प्रिपरेशन में कि लेट्स से आपका क्वांट बहुत अच्छा है लेकिन आपका VRC थोड़ा वीक है, तो आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो इस जून जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में. वो कैसे देंगे कि उसका एक सेक्शनल ज्यादा लगा लिया या फिर 4-5 RC सेट ज्यादा लगा लिया. ये बात थी VRC की. सिमिलरली फॉर क्वांट, लेट्स से आपका टारगेट था 15-20 क्वेश्चंस बट यू एक्चुअली अंडरस्टूड एंड एनालाइज कि दैट इज अ वीकर सेक्शन दैट यू माइट हैव, तो यू टारगेट मोर क्वेश्चंस, यू डबल दैट एफर्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू अंटिल अगस्त. उसके बाद आते हैं महीने सितंबर और अक्टूबर के. यहाँ पे आपको अपने मॉक्स थोड़े और बढ़ा लेने चाहिए बिकॉज एक टिपिकल 99 परसेंटाइलर रफली 35-40 मॉक्स तो लगाता ही है, बट बेसिस योर प्रिपरेशन जर्नी एंड बेसिस हाउ मच यू नीड टू स्टडी एज वेल एज एनालाइज योर सेल्फ, यू माइट हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू आर अपियरिंग फॉर. तो अगस्त में अगर आपने हफ्ते में 2 फुल लेंथ मॉक्स लगाए हैं, सितंबर और अक्टूबर में आपको यही नंबर 3 फुल लेंथ मॉक्स पे टारगेट रखना है एंड सेक्शनल साइड बाय साइड चलते रहने चाहिए ऑन आइडेंटिफाइंग व्हिच एवर सेक्शन दैट यू आर वीक एट और यू वांट मोर एक्यूरेसी टू बी डेवलप्ड अपॉन. ये बात हो गई अक्टूबर की. नवंबर लास्ट संडे को आपका कैट एग्जाम होता है, उससे जस्ट एक वीक पहले योर टारगेट शुड बी टू रिलैक्स योर ब्रेन. ये थोड़ा सा सजेशन आपको लग रहा होगा कि कैसा अजीब सा सजेशन, आपने पहले ऐसा नहीं सुना होगा, बट इन माय हम्बल ओपिनियन योर ब्रेन शुड बी रिलैक्स्ड एंड इट brings out the best efficiency when it's in a calm state. तो हमें pressurize नहीं करना है अपने दिमाग को, तो November last Sunday से just एक week पहले आप थोड़ा सा relax हो सकते हो, एक दो sectionals लगा लिए that's fine, थोड़ा सा revision हो गया that's also fine, but ज़्यादा pressurize नहीं करना है.
नवंबर फर्स्ट 3 वीक्स में आपको टारगेट करना है कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन होता रहे, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन क्वेश्चन जिनमें आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रहता या फिर आपको कंसेप्ट पता होता तो आप क्वेश्चन कर लेते, जस्ट बिकॉज आपका रिवीजन पूरा नहीं था इसलिए आप नहीं कर पाए। तो नवंबर फर्स्ट 3 वीक्स में टारगेट कि योर रिवीजन इज फुल एंड प्रोफाउंड। वो कैसे होगा कि वॉट एवर मॉक्स यू हैव डन टिल नाउ इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, उनके एनालिसिस से आपका निकला होगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जो वीक टॉपिक है उसमें ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मुला शीट आप एक बना सकते हो छोटी सी जो कि कैन हेल्प यू इन योर एफिशिएंट रिवीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़े थोड़े सेक्शंस लगाते हुए ये चेक करते रहना है कि मेरी एक्यूरेसी भी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। तो नवंबर फर्स्ट 3 वीक्स में हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं एंड एक फॉर्मुला शीट माइट बी हेल्पफुल। नवंबर लास्ट वीक में संडे से जस्ट पहले, जो नवंबर लास्ट संडे को आपका कैट होगा उससे जस्ट पहले आपको दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना है। सो ओवरऑल हाउ शुड योर प्रिपरेशन जर्नी लुक लाइक? जून में अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो जून जुलाई अगस्त को हम लोग मेजरली रखेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। मेजरली जून जुलाई में ये खत्म हो जाना चाहिए ताकि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो रहा है। साइड बाय साइड आप टॉपिक के सेक्शंस लगाना चालू कर सकते हो। जुलाई एंड में व्हेन योर सिलेबस इज डन, अगस्त में आप पर वीक 2 फुल लेंथ मॉक्स एंड ऑल्टरनेट डे पे सेक्शंस लगा सकते हो, प्रायोरिटाइजिंग ऑन वट एवर वीकर सेक्शन दैट यू हैव उसके सेक्शंस थोड़े ज्यादा लगा सकते हो। अक्टूबर और सेप्टेम्बर में आपको ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देनी है अगस्त से कि हफ्ते में पहले मैं 2 मॉक्स लगा रहा था तो अब मैं 3 मॉक्स लगाऊंगा। एंड एनालिसिस भी आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स यू आइडेंटिफाई किस टाइप की मिस्टेक ज्यादा हो रही है एंड टू एक्चुअली अवॉइड दैट इन योर एक्चुअल एग्जाम डेट। नवंबर फर्स्ट 3 वीक्स आपको रिविजन रखना है, नवंबर लास्ट वीक राइट बिफोर द एग्जाम आपको थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स रखना है। आप रिलैक्सिंग के लिए कुछ स्पोर्ट्स देख सकते हो या फिर थोड़ा हल्का सा सेक्शनल्स या कोई भी मूवी वगैरह भी आप देख सकते हो, बट योर ब्रेन शुड बी रिलैक्स बिकॉज दैट्स वेन इट विल हैव द बेस्ट एफिशिएंसी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। If you are new to your CAT preparation journey and if you have any doubts and concerns, feel free to comment on this video. There is also a WhatsApp group ka link jo ki description mein aa jayega, jahan pe community already established hai, which will be able to help you out on any and all concerns and doubts that you might have related to CAT. And wahan pe iQuanta ki team will also try to help you out on any questions that you might have regarding CAT or MBA in general. And yeah, agar aapko aisa lag raha hai ki 6 months enough hai ya nahi hai preparation ke liye, to hai. All it requires is a consistently dedicated focused preparation on a daily basis. जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसे फॉलो करने की कोशिश करिए एंड 99.99 भी अचीवेबल है। ऑल द बेस्ट। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो iQuanta's YouTube चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। ऑल द बेस्ट।